हेलो एवरीवन माय यूट्यूब फैमिली, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज हो रही है बारिश, मतलब ये कल का ब्लॉग है और बारिश हो रही थी दिल्ली में, पूरा दिन बारिश लगी रही, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था तो मैं यहाँ छत पर घूम रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा ली थी मैंने मशीन, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे और कल है 15 अगस्त, तो मतलब काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने कहा धो दो इनको, तो वही मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मतलब एक बार के कपड़े धुल गए, तो काफ़ी सारे कपड़े थे तो मैंने दोबारा से कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। तो नीचे फर्श पे पड़े हुए हैं काफ़ी सारे कपड़े, तो मतलब आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ट्राइपॉड थोड़ा ऊपर लगा हुआ था। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कपड़े घेर देती हूँ, फिर चलती हूँ रसोई में काम करने के लिए। तो कल देखिए बहुत सारी गर्मी पड़ रही है और मैं धो रही हूँ काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पे, वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ लगा रखी है ये देखिए, और काफ़ी सारे कपड़े हैं और क्या कहते हैं, मुझे अभी बहुत सारा काम भी करना है। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो उनको पानी भी करना पड़ा है, तो उधर की साइड चलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैं लगाकर आ गई थी, उसमें कपड़े धुल जाएंगे और मतलब फिर धुल जाएंगे, फिर मैं डाल दूँगी। काफ़ी बार मतलब 2-4 बार कपड़े पड़ जाएंगे, 3-4 दिन के कपड़े हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो फ्रेंड देखिए, कपड़े डालकर मैं आ गई थी रसोई में काम करने के लिए, काफ़ी सारा काम पड़ा था, पराठे बनाने थे आलू के, बच्चे पराठे मांग रहे थे क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था, 12-1 बज चुका था, कपड़े धोते धोते अभी काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो मैं यहाँ पराठे बना लेती हूँ रसोई में जल्दी जल्दी, फिर रसोई की साफ़ सफ़ाई करके फिर दोबारा से कपड़े निकालने के लिए जाना है। तो मैं पहले रसोई की, जब तक एक राउंड घूमेगा तब तक मैं रसोई की सफाई कर लेती हूँ और पराठे वगैरह दे देती हूँ बच्चों को बना के। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पराठे बन चुके थे और मैंने एक डोंगे में रख दिए रोटी वाले कपड़े के अंदर। तो फिर उसके बाद साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ जल्दी, स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा टंकी के नीचे पानी फैल गया उसे भी साफ़ करना है नीचे, और मतलब थोड़ा सा पोछा लगाना है रसोई में, तो रसोई साफ़ हो जाएगी और रसोई काम मेरा फिनिश हो जाएगा। फिर जाके कपड़े ही निकालने हैं मुझे दोबारा से जाके, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं वही धोने हैं, पूरा दिन ही लगने वाला है आज तो कपड़े धोते धोते। तो यहाँ पानी फैल गया था, ये साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के रसोई से निकल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे रसोई की साफ़ सफाई हो गई और यहाँ मेरी उंगली में लग गई थोड़ी सी चोट, पोछा लगाते हुए एकदम से घिसट गई और उंगली के नाखून में कुछ घुस गया, तो वही यहाँ पे दर्द हो रहा था तो वही देख रही थी। तो मैं अब रसोई का काम करके आ गई यहाँ पे दोबारा से कपड़े निकालने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े कुछ सूख गए थे, ड्रायर हो गए थे, तो उन्हें निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर सूखने की तो जगह है नहीं है आज क्योंकि बरसात हो रही है दिल्ली में, तो मतलब अंदर ही रखने पड़ेंगे सारे, सोफ़े पे रखवा देती हूँ, रात को पंखे की हवा में ही डालने पड़ेंगे सारे कपड़े। तो यहाँ पे एक बार के कपड़े मेरे धुल चुके हैं और बाकी धुल रहे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़े से कपड़े मैंने धुल लिए थे, तो यहाँ पे पहले सोफ़ा झाड़ देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं और सोफ़ा झड़ा हुआ नहीं था, मतलब साफ़ नहीं था, तो मतलब मुझे यहीं पे सारे कपड़े रखने थे क्योंकि बाहर तो बारिश लगी हुई है, तो सारे कपड़े मुझे सोफ़े पे ही रखने थे क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पर सोफ़ा झाड़ दिया और उसके बाद मैं लेके आ गई थी अपने लिए खाना, खाने में था आलू का पराठा और दही और आलू की सब्ज़ी। यहाँ मैं बैठ के खाना खा लेती हूँ फिर काम पर लगती हूँ दोबारा से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैं, सोफ़ा पूरा भर चुका है आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी मेरे को लगानी थी यहाँ पे झाड़ू और साफ़ सफ़ाई करनी थी। कपड़े धुल चुके हैं, मशीन मैंने लगा दी है, अभी अंदर रखूँगी मशीन, अभी बाहर ही रखी हुई है, तो पहले झाड़ू लगा देती हूँ उसके बाद अंदर रखूँगी मशीन, क्योंकि नहीं तो मशीन हटा के फिर झाड़ू मारनी पड़ेगी, तो पहले मतलब झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पर आ गई थी श्वेता, जो मतलब मेरी बिचवाई जेठानी, उनकी लड़की,
क्योंकि यहाँ पे टीचर डे वगैरह आने वाला है, तो ये साड़ी इसीलिए पहन रखी थी श्वेता ने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही थी टीचर डे की प्रिपरेशन, मतलब टीचर डे पे कैसे साड़ी पहन के जाना है, वही श्वेता ने इसलिए साड़ी यहाँ पे पहन रखी थी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और उसके बाद थोड़ी वॉशिंग मशीन थोड़ा अंदर रखनी थी तो मैं अंदर रख देती हूँ। और आपको आज का ब्लॉग फ्रेंड्स थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कपड़े धो लिए हैं, काफ़ी सारे कपड़े थे जो मैंने धोए थे। ये देखिए पूरा सोफा भरा पड़ा है कपड़ों से। ये रक्षाबंधन से पहले के कपड़े थे, कुछ रक्षाबंधन वाले दिन पहले थे वो कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने धो लिए हैं। तो अब मैं करूँगी बालों की कंघी। सुबह से मतलब मैंने बालों की कंघी नहीं करी, बहुत सारा काम था तो इसलिए बालों की कंघी नहीं कर पाई, तो अब मैं करूँगी बालों की कंघी। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। और वॉशिंग मशीन में साइड में रख दी और उस पर कवर भी चढ़ा दिया। ये जो कवर है वो मैंने पर्दे से बनाया था, वो सारी वॉशिंग मशीन अच्छी तरह ढक जाती है नीचे तक और काफ़ी अच्छा है। और क्या कहते हैं, अब मैं करूँगी थोड़ा सा बाल कंघी को। आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। फ्रेंड्स देखिए, बाल कंघी मेरी हो चुकी है। परी और दीपू वहाँ देख रहे हैं मोबाइल, लेट के मोबाइल लेके आ रहा है दोनों यहाँ पे लेट के मोबाइल देख रहे हैं। और बाहर का मौसम हो रहा है बड़ा अच्छा, काफी अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश लगी हुई है, सुबह से बारिश हो जा रही है और मैंने काफी सारे कपड़े धोए हैं तो सुखाने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा मेरा ब्लॉग है, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करना।